अस्सलाम वालेकुम प्रॉपर्टी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज मैं आपको लेकर आया हूं बैरिया हाइट्स। बैरिया हाइट्स में आप जानते हैं कि रेडी टू पोजेशन ए और एच, और इस वक्त हम जाके करंट सिचुएशन चेक करते हैं ए और एच की भी, और साथ दूसरे टावर्स की भी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इस वक्त हम बैरिया हाइट्स का जो लिबर्टी राउंड अबाउट है उसकी तरफ मूव हो रहे हैं, और यहाँ से हम अंदर एंट्रेंस की तरफ चलेंगे, और जो पार्किंग एरिया है और जो पार्क है यहाँ पे उसका व्यू भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। मौसम आज बहुत खूबसूरत है, हसीन मौसम है, मौसम ठंडा भी है, और आप लोग जानते हैं कि तीन चार दिन से काफ़ी यहाँ पे बारिशों का सीज़न, हल्की हल्की बारिश होती रही है। तो बादल वैसे ही अभी मतलब लास्ट वीक वैसे ही गुजरा है जैसे यहाँ पे एक मूनसून का सीज़न में जिस तरह से चलती हैं बारिशें, छोटी छोटी हल्की हल्की, कहीं पे हल्की होगी। खैर तेज़ बारिश तो अभी यहाँ पे ये लास्ट वीक में नहीं, तो एक बहुत ही इंजॉयबल मौसम है आप यहाँ पे, मतलब गर्मी नहीं है, हब्स नहीं है, और मौसम ठंडा है। तो खैर अभी हम ये आप देख रहे हैं कि अभी हम आपको लेकर आए हैं, तो ये बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही पार्क फुल लश ग्रीन हो चुका हुआ है, और ये टावर अभी एच आपने दिखा सी तरह पर, अभी ये टावर ए की तरफ हम कैमरा मूव कर रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार होती हुई बिल्डिंग्स और तैयार हो चुकी हुई बिल्डिंग्स दोनों ही बैरिया हाइट्स के फेज़ वन के अंदर आपको नज़र आएगी। फेज़ टू जो है वो डेस्कॉन के नाम से चला गया, फेज़ थ्री पैरागोन के नाम से चला गया, तो बैरिया हाइट्स के नाम से अभी हम फेज़ वन जो था अभी हम इसको बैरिया हाइट्स ही लोग इसी के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये कब तक प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, तो एएच आपके सामने तैयार है, और पोजेशन भी अनाउंस कर दिया था जून 15 में बैरिया ने देना था, लेकिन यहाँ पे पोजेशन लोग ले रहे हैं, और आबाद कर ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी यहाँ से लोग रहना शुरू कर देंगे। स्पेशली रेंटल की बड़ी डिमांड है, लोग रेंट पे काफ़ी चीज़ें लोगों को चाहिए, मिलती नहीं है, तो ये यूनिट्स इन यूनिट्स के आने के बाद एक जो है वो लोगों की मतलब जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी डिमांड्स में भी मतलब एक आप कह लेंगे फुलफिल हो जाएगी। अभी राइट नाउ बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है बैरिया हाइट्स के पोजेशन का, और लिफ्ट्स वगैरह कंप्लीट हो चुकी हुई है, अंदर से कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है, छोटे मोटे काम है वो अभी चल रहे हैं, और बाकी हमारी ये ख्वाहिश है और हम देखेंगे कि यहाँ पे फैमिलीज एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, इंजॉय करें, और इसी तरह से बैरिया टाउन कराची के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी, मतलब क्योंकि जब पोजेशन आता है लोग रहते हैं फिज़िकली, तो उससे नेगेटिविटी और ये सारे मामले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो आप लोग जानते हैं 10-11 मिलियन के अराउंड जो है वो एएच के अंदर रेट्स की इस वक्त ट्रांजेक्शन जो हैं वो चल रही हैं, और बाकी इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली है और रेट्स बढ़ेंगे। बाकी बैरिया टाउन कराची के हवाले से आपने किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और आप बैरिया टाउन कराची के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद सलीम को ज़्यादा दे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।